कौन से भगवान को मानते हैं सर आप? मैं उसी भगवान को मानता हूँ। कोई नाम है उन भगवान का? कोई नाम तो एक मैं हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी को आप ज़्यादा मानते हैं, बाकी सब कुछ इसके अंदर ही है जी, शरीर के अंदर ही है। मतलब पहलवानी करते थे, अखाड़े में जाते थे, वहाँ से हनुमान जी को मानने लगे? कबड्डी खेलता था, कुश्ती भी करता था, हॉकी भी खेलता था। पहलवान ज़्यादा मानते हैं हनुमान जी को? नहीं, वो भी एक कारण है। भगवान को हनुमान जी को मैं क्यों मानता हूँ? अच्छा, बाकी इसी से जुड़ी हुई बात है। इस टाइम मेरे पर केस बने हुए थे, तो मैं 3-4 महीने से घर छोड़ करके अपनी गिरफ्तारी से इन केसेस से बच करके जो है ना बाहर निकल रहा था जी। और उस वक्त आगरा में 3 महीने रहा मैं किसी के पास जी। सुप्रीम कोर्ट तक बेल कैंसिल हो गई जी, फिर कोई रास्ता नहीं रहा। मैं जिसके पास रहता था वो कहने लगा जी किसी पंडित जी से बात करूं मैं जी, कोई सहारा मिल जाए। तो वहाँ पंडित जी के करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट तक का जो है मामला रिजेक्ट हो लिया, अब तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या ये चीफ मिनिस्टर इतना अपना घर छोड़ कर रहो जी। फिर भी वो फौजी आदमी था, बोला मैं देखता हूँ जी। उन्होंने फिर एक कहीं पता करा कि मैनपुरी एक पंडित जी है जी, मैन मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में। हाँ हाँ, उसका ये एड्रेस है। तो हम सुबह उठ करके वहाँ चले गए जी। उन्होंने बताया कि वो बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं जी, और हो सकता है कि उनका फ्लैट है आगरा में, वहाँ आ गए हों जी। उसकी माँ थी बूढ़ी, उसके घरवाली थी, बच्चे थे, उन्होंने बड़ा मान सम्मान इज्जत कही मारी और उन्होंने ये बताया। फिर आए तो हम जो है ना उन्होंने हमने वो आए हुए मिल गए। वो कहने लगे शाम को आना जी, थोड़ा सा प्रसाद ले आना जी, फ्रूट का। शाम को गए, उन्होंने मंदिर बना रखा है एक बालकोनी में जी, बालाजी की फ़ोटो रख रखी मेहंदीपुर के, वहाँ हम बैठा लिए। कहने लगे 2 रुपये चढ़ाओ, मैं मेरे पास खुले कौन है भाई जी। फिर उसने अपने पास से दिए मैनेजर, फिर उसने एक कागज़ लिखा, पर्ची लिखी एक, लिख करके उसकी तय करके बालाजी के चरणों में रख दी जी। 2 मिनट के बाद मैं इसको उठा और जेब में डाल लो जी, मैं जेब में डाल ली। 2 मिनट के बाद मेरा निकालो और फिर वहीं रख दो जी, वहाँ रख दी। फिर 2 मिनट के बाद फिर बोले अब उठाओ और खोलो और इसको पढ़ो जी। उसमें लिखा नाम आनंद सिंह, जन्म तिथि जो मेरी है वो जी, मामला भूमि से संबंधित, करने वाला ओम प्रकाश, बाल बका नहीं कर सकता। आपके रोंगटे नहीं खड़े उस टाइम पे कि ये क्या? मैंने कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट की जमानत कैंसिल हो ली भाई, आप ये कहने लगे बाल बका नहीं कर सकता जी। बोले सब बट सबसे अगर विश्वास करो तो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट बालाजी मेहंदीपुर है। अगले दिन शनिवार था, बोले वहाँ जाओ अपनी प्रार्थना करो और फिर देखो सुप्रीम कोर्ट कौन सी है। वहाँ से नज़दीक है, ये एक पर्सनल लाइफ की बात है। ये एक नई बात है आपने जो बताई हो। इससे पहले आपकी आस्था थी इतनी या उसके बाद ज़्यादा आपकी आस्था? ना, मैं आर्य समाजी आदमी, आर्य समाजी, आर्य पाठशाला में पढ़ा हूँ, आर्य समाजी आदमी। सर एक आर्य समाजी आपने जो कहा इस पर मेरे को एक सवाल ध्यान आ गया। आप भी आर्य समाजी हैं, हुड्डा साहब भी आर्य समाजी हैं। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादा जो थे चौधरी माथुर, उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ। आर्य समाज में पहली छूत-छात जात पात की बात खत्म तो कर, पूरा परिवार जो है हुड्डा साहब का वो आर्य समाजी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरायों में गोते मार रहे हैं, कोई बात नहीं आर्य समाजी, तो फिर ये चीज नाना तो पड़ता ही है। ये हरिद्वार नहीं जाते आप लोग जी, उसमें आर्य समाज को इनकार थोड़ा करता है कि हरिद्वार में ना हो ना। हरिद्वार एक पवित्र नदी मानी जाती है, पानी उसका जो है ना आप 10 साल रख लो उसको खराब नहीं होता, तो कोई ना कोई कारण है उसके अंदर जी, कोई तो कारण है किसी तरह से भी, जहाँ से बह करके आती है, कोई जड़ी बूटियों का है कि उसे जो भी है जी, लेकिन खराब नहीं होता। तो ऐसे स्थान पर जो पवित्र नदियाँ हैं, ये संध्या है आर्य समाज की संध्या है जी, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। शिव जी का नाम भी आता है जी, राम का भी नाम आता है, और उसके बाद अगर इस बात में सब तरह से एक तरफ थोड़ा ही डाला जा सकता है, सब का हक है। अब मोदी के एक मेरी है सारा सब कुछ जी, आज राम पर कब्जा करके बैठ गया,
मोदी जी ने राम पे कब्जा कर लिया। हाँ, उसका है एक एक किले का, सबका है सर, राम सबके है, राम तो सबका है ना जी। तो इसलिए जो है ना, राम 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 देगा ते आदमी है, मैंने भी हल बाया है, ट्रैक्टर बाया खूब, बैलों का हल भी बाया है, हर हाली जब अपनी जुआ बैलों पर रख करके हत्था पकड़ता है, ले भाई राम का नाम, बैलों को भी ये कहता है ले भाई राम का नाम जी। कोई भी काम शुरू करते हैं ले भाई राम राम, सब आपस में मान सम्मान इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे को राम राम करते हैं। हरियाणा की संस्कृति में बसाया राम जी। तो इसमें ये बात, इसमें ना आर्य समाज अड़ता ना सनातन अड़ता, ये तो एक श्रद्धा की बात और उसको मानने की बात, एक माध्यम है ये सारा सब कुछ इस तरह से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दीपेंद्र सरयू नदी में नहाकर डूबा तो नहीं नहीं सर जिस राम की बात करते हैं हम, वो फिर दूसरी बात आएगी, कोई नहीं आप इसको वो करते हैं। हाँ सर, जब आप 1991 में पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद आप विधानसभा में गए, क्या आपके लिए वो एक, जैसे नया कोई विधायक जाता है उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि मैं इसमें आ गया, कानून के मंदिर में आ गया, एक भव्य एक्सपीरियंस होता है कि राजमहल टाइप जगह पे आ गया, आपके लिए वो एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपके साथ उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी थी। मैं नया आदमी तो नहीं था जी, मैं गांव का सरपंच भी रह लिया था जी, पॉलिटिकल कड़ी तो वहाँ से ही शुरू होती है जी। SS बोर्ड का चेयरमैन रहा मैं, बिल्कुल जी, चंडीगढ़ ही था मैं जी, वो विधानसभा भी देखता था, सेक्रेटरीट भी देखता था, सारी बातें, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो नई चीज नहीं थी। हाँ। आप उस माहौल में ढल चुके थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जब गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई आपको दादा भी कह देता है, कोई आपको दांगी साहब भी कह देता है, कोई आपको विधायक जी भी कह देता है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है कि क्या बोलो क्या? प्यार में, भाईचारे में जो भी बात कही जाए वही अच्छी है, इज्जत के साथ कोई भी बात करी जा सकती है, चाचा भी कह दे, कोई दादा भी कह दे, कोई भाई भी कह दे, कोई साहब भी कह दे जी, कोई मंत्री जी भी कह दे, मंत्री भी रहा हूँ जी, बजलाल सरकार में जी, जी। ये सारी बातें जो है ना, इज्जत की बात होती है आपस में सब प्यार, ये एक हमारे सामाजिक सिस्टम है जी। एक दूसरे का मान सम्मान, अब जैसे नमस्ते है, मैं आपको नमस्ते करता हूँ जी, मैंने आपको नमस्ते करी, आपने मेरे को नमस्ते कर दी जी, आपको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा जी, लेकिन दोनों के एक तरफ से उत्तरम पात्रम जो बालकार है ना भाई ना पचड़ी ना मेरे बचड़ी जी, जी। लेकिन इज्जत दोनों का मान सम्मान एक दूसरे के प्रति हो गया, ये चीज़ तो सम्मान की बातें हैं जो आपस में जो है ना एक सामाजिक सिस्टम से सब जगह होती है और होनी चाहिए जी समाज में। सर, हलवा ज़्यादा पसंद है या खीर? खीर भी, हलवा भी, दोनों चीज़ें, चूरमा भी। अब इसमें मैं सर एक थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली बात करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे, माँ के हाथ का या आपकी जो धर्मपत्नी? माँ मेरी अब नहीं है। नहीं, माँ के हाथ का ज़्यादा पसंद था या अपनी धर्मपत्नी जो आपकी है? मेरी भाभी के हाथ का, मेरी भाभी मेरी माँ से बड़ी थी, मेरी भाभी जो थी मेरे पिताजी की पहली जो शादी हुई थी उनके एक लड़का थे जी, वो उस टाइम TB की बीमारी से मर गए थे, उस वक्त इलाज नहीं थे TB के, खेत में भी रखा उनको, सारा कोशिश करी हर तरह से, लेकिन वो बात नहीं बनी जी। तो वो भाई की वाइफ मेरी भाभी और उनके एक लड़की थी जी, लेकिन उस टाइम 400 बीघे का मालिक मेरा पिताजी जी, मेरे भाभी ने जबरदस्ती करके एक दादा शादी करवा लो घर बस जाएगा दोबारा जी, उसके कहने से रिश्तेदारी में से जो है ना यार प्रेम प्यार प्रेम में मेरे पिताजी की शादी हुई जी, उसके बाद हम 3 भाई हुए और 1 बहन हुई जी, उस भाभी ने माँ से भी ज़्यादा प्यार दे करके हमारा पाला पालन पोषण करा जी, और सब तरह से मतलब एक देवी के रूप में, अगर वो चाहती तो 400 बीघे की मालिक थी, अपनी बेटी के नाम करवा देती, सारा सब कुछ हो सकता जी, लेकिन वो बेटी भी ऐसी थी जी जिसने कभी कोई लोभ लालच की बात नहीं करी जी, और मेरी भाभी सब कुछ डिवोट इस घर को उसके लिए कर दिया जी, तो भाभी अच्छी हुई, माँ अच्छी हुई, खेत में दाह संस्कार किया जी, हमने उसका मंदिर बनवाया, लोग आते जाते वो आर्य समाज वाली बात आ गई जी, भाई तुम तो आर्य समाजी आदमी हो, मंदिर किसका बनाओ जी, माता का बनाओ हो, शिव जी का बनाओ हो, कि राम का बनाओ हो, कि हनुमान का बनाओ जी, हमने कहा कि हम अपनी भाभी का बनवा, वो हमारी दिव्य देवी है, वो हमारी माता है,
और सारा सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसका मंदिर मैंने अपने खेत में बनाया। ये है भाभी की कहानी। तो भाभी के हाथ का अच्छा लगेगा कि माँ के हाथ का अच्छा? भाभी के हाथ का, बिल्कुल। तो यही है सर, जब आप चुनाव हारे भी, जब आप चुनाव हार जाते हो उस दिन मलाल फील होता है, ये फील होता है ना? कोई फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं। मैं चुनाव हारा भी नहीं है मान करके चलो, मेरी इंसानियत, मेरा भाईचारा आ रहा है जी। बैलेट का इलेक्शन था तो जी 257 वोटों से 53 वोटों से आ रहा था मैं जी। उसमें जो काउंटिंग में सारी गड़बड़ सड़बड़ चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया था जी, तो उसमें जो आना सारी बंडलों में भी गड़बड़ जी, बैलेट पेपर में भी कैंसल भी जी। आज भी वो बैलेट पेपर कहीं रखे होंगे तो आज गिनती करवा लो, हम हारते नहीं जी। ये था कि भाई कल लोग ये ना कहते हैं भाई चौटाला के साथ इलेक्शन था, उड़े भी लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ भी कोई इस तरह की बात है तो हम बदनाम ना हो जाओ। कोई बात नहीं, एमएलए बनना ना बनना कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस से जब आप एमएलए बने उसके बाद आप राजीव गांधी जी से मिलने गए? मेरे एमएलए बनने के बाद राजीव जी बहुत थोड़े नहीं, पहले जा चुके राजीव जी, उससे पहले हाँ जी। इलेक्शन हो गया था जी और उस वक्त जो ना काउंटिंग बाकी थी, जिस वक्त मेरी इंटरव्यू हुई उस वक्त, उसके बाद 2-3 बार हम मिले और मेरी एक ही बात थी राजीव जी से मिले जब जी। मेरे को बुलाया पार्टी में शामिल करने के लिए, बहुत लंबा ड्राइंग रूम था जी, मैं गया तो गेट पर खड़े हुए मेरे को मिले जी, और जाते दरवाज़ा खुला, मेरा हाथ में हाथ पकड़ करके, आओ दांगी जी आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है जी, ये बात करके, भाजी आपने जो जा करके जो करा सारा सब कुछ जी, उसके बाद हम सिक्योर हैं। बैठ गए कुर्सी, जैसे ये टेबल है उस तरफ जी। राजीव जी बैठे इस साइड में, आमने सामने हम बैठे, वो कहने लगे हम आपको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मेरी 2-3 बात है जी, एक तो मेरा हल्का स्वाभिमानी हल्का है जी, और दूसरा फिर ये कहते हैं वे कांग्रेस एक समुद्र है जी, वहाँ पर गोता खाया और मामला ख़त्म, और तीसरी बात मेरी है कि भाई देवलाल परिवार का आदमी कांग्रेस में नहीं होना चाहिए हरियाणा में जी। हंस के कहने लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे भाई हो, भाई की तरह से रहोगे, कभी आपको महसूस नहीं होगे। फरमा जी आपने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है जी, और आपकी बहुत बड़ी बात है, इंसानियत की बात है, इस तरह से बुला करके जी बात है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद 2-3 बार मिले जलसे में वगैरह में, रैली वगैरह में, दूर से देख गया तो वहीं पर खड़ा हो जाता और मेरा हाथ में हाथ डाल के आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है ये सवाल होते थे, ये सवाल पूछते थे। हाँ, उसके बाद वो अनहोनी होगी। उस टाइम राजीव जी अकेले मिले थे या सोनिया जी भी साथ में? ना अकेले अकेले थे, हम दो ही थे बस। जब ये मामला हुआ उसके बाद में कांग्रेस के धड़े बन गए थे, एक तिवारी कांग्रेस हो गई थी अलग से, आपको उस टाइम कोई वो नहीं? ना 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 ना, तिवारी कांग्रेस तो शायद पहले बनी है, तिवारी कांग्रेस तो पहले बन गई थी राजीव गांधी से के आने से पहले। 91 की बात है, 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह वो थे पीसीसी प्रेसिडेंट, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही कह करके मेरे को बुलाया था पीसीसी प्रेसिडेंट। आप साथ में गए थे ना? अंदर हमारी दोनों की बात हुई थी, अंदर वीरेंद्र सिंह नहीं गए, अंदर उनके थ्रू मेरे को बुलाया था, उनके थ्रू बुलाया। हाँ पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो, इसलिए। तो उस टाइम तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे उस टाइम कोई मुलाकात हुई आपकी जब? ये पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त। घर में आप घर में जाते थे मिलने? ना घर में मैं एक दो बार ही गया उस टाइम, उसके बाद कोई बात खराब हो गई। ये देश का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान जी। राजीव जी जो उनके विचार थे इस देश के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, देश को आगे निकाल ले जाने के लिए, ऐसी भावना उस व्यक्ति में थी, शायद किसी में हो सकता। सर जो 99 और 2000 का दौर था उस टाइम पे कांग्रेस के दो धड़े थे, एक भजन लाल का और एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और दोनों में एक कश्मकश थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने। उस टाइम कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि भाई किस साइड जाएँ? नो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका क्लियर कट
क्लियर कट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुभाष बत्रा भजनलाल जी के साथ थे जी, लेकिन हम मैं सरकार में भजनलाल की मैं जरूर था जी, लेकिन हमारी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, उनके साथ थी 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 थी। उनका कद तो 96 में 98 में जो 3 बार लोकसभा चुनाव बड़े जब बढ़ाया कद, वो सर आप उस वाक्य में थे जब 97 की बात है, शायद 96-97 की बात है, भिवानी में चौधरी भजनलाल जी ने एक रैली रखी थी पार्क में, उसमें जब सुभाष बत्रा जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने नहीं दिया, रैली में संबोधन नहीं करने दिया, हूटिंग वगैरह कर दी और सारा मामला वो कर दिया, हुड्डा जी को वापस आना पड़ा। मेरे ध्यान नहीं है ये बात, क्योंकि मैंने बत्रा साहब से पूछी थी, वो पल्ला झाड़ गए सवाल से, क्योंकि वो खुद थे इस चीज़ में, तो नहीं वैसे मेरे ध्यान नहीं है बात। अच्छा आपको ये याद नहीं है? हाँ ऐसी बात तो कभी नहीं हुई भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना बोलने दिया गया। सर बड़ी कश्मकश थी, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी बात, कश्मकश तो गोहाना में भी थी, ये भी कहते हैं भजनलाल को नहीं बोलने दिया गोहाना में जी, ये सारी बातें वो उसके बाद हुआ है, गोहाना वाला जो वाक्य है दूसरे ढंग की बातें, कुछ नहीं इनमें। भूपेंद्र हुड्डा ने जो इस प्रदेश के लिए किया कोई नहीं कर सकता। अभी भी विपक्ष के लोग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग धड़े बने हुए हैं। कुछ धड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो कुछ नहीं, सारे अपने पार्टी के काम में लगे हुए, घर घर यात्राएं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में लगे हुए हैं सारे, तो एकजुट है कांग्रेस, एकजुट। कांग्रेस के अलावा अगर मैं बात करूँ, कोई दूसरी पार्टियों में कोई नेता पसंद है जो आपको ठीक? किस लिए भाई, किस लिए सर आपको? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा लीडर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में है ही नहीं, जिसने 10 साल इस प्रदेश को चौमुखी विकास दिया, चाहे वो रोजगार के हिसाब में है, चाहे पानी के हिसाब में है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब में है, हर तरह से चौमुखी विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया, इसका मुकाबला कोई नहीं है। बलराम जी से आपकी बातें होती होंगी शाम को घर लौटने के बाद, उनमें कभी ऐसा कोई वाक्या कोई बात ऐसी निकल के आई कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है मैम के लिए, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैम के लिए? कहीं कोई कमी होगी तो पूरी करेंगे, तो कोई स्पेसिफिक कोई बात नहीं है कि ये हमने पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ रखी। दो शब्द सर कोई मैम की जनता के लिए, दो बातें कुछ आप बोलना चाहते हो तो? महम की जनता के लिए सबसे बड़ी बात ये कि प्यार प्रेम सुख शांति से सब मिलजुल करके चले, राजनीति के गंदे फंदे में ना फंसे, लोभ लालच में ना आए, इंसानियत के साथ एकजुट होकर के चले, प्यार प्रेम से रहें, तरक्की होगी, विकास होगा, सारी बातें। अब की बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई रोल रहेगा? कुछ नहीं है किसी पार्टी का कोई? नो भविष्यवाणी कर दीजिए सर, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी 2024 विधानसभा चुनाव में? बस सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं पहले के भी, अगर बात कर रहे हो 85 की, अब वो सारे सीट आई थी, सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड तो टूटने की बात कर रहे हैं आप? टूट सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।